नगर निगम शिमला द्वारा अपनी संपत्तियों के बढ़ाए गए किराए को लेकर व्यापारी वर्ग में नाराजगी है। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शिमला में कई दुकानें ऐसी हैं जिनकी पैमाइश सही ढंग से नहीं हुई है और नगर निगम ने मनमर्जी से दुकानों का किराया बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वे व्यापारियों के साथ इस मामले को लेकर निगम आयुक्त से भी मिल चुके हैं। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अगर निगम मामले में कोई सही निर्णय नहीं लेगा तो वे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने को मजबूर होंगे। देखिए, जो व्यापारी है वो किराया बढ़ने पे देने में कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन जो इनका तरीका है वो गलत है। पहले तो इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय को इन्होंने गुमराह किया है। इन्होंने ये कहा है कि काफ़ी टाइम से दुकानों के किराए बढ़े नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमने खुद भी इनसे RTI में मांगा है तो उनमें इन्होंने कहा कि हमने हर 5 साल में 10% किराए बढ़े हैं, जबकि सच्चाई है कि इन्होंने हर 3 साल बाद 10% किराए बढ़े हैं। तो एक तो इन्होंने पहले ये गलत एफिडेविट दिया, दूसरे जो व्यापारियों को दिक्कत है इनकी मेजरमेंट को लेके, जो ये दुकानों के साइज़ नाप रहे हैं और जो बिल इशू कर रहे हैं उसमें बहुत धांधली है। क्योंकि हमारे अपने ही व्यापार मंडल के वाइस प्रेसिडेंट को भी जो उन्होंने एक बिल दिया है उसमें उन्होंने उनका एरिया 1650 स्क्वेयर फिट 1600 स्क्वेयर फिट का बिल दिया, जबकि वो एरिया 1050 है, जबकि कल दोबारा नापने पर पता लगा कि एरिया 1050 है। तो इस तरह इन्होंने कई जगह ऐसी की है, मतलब कि कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं और जो बिल जो दिए हैं वो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। हमारे में से कुछ व्यापारी कोर्ट में जा चुके हैं, सब्जी मंडी के और गंज बाज़ार के, और बाज़ार के लोग भी इसमें पार्टी बने हैं। हम इनको चाहते हैं कि समय रहते इनको ठीक किया जाए, नहीं तो व्यापारी जो है व्यापार मंडल इनका घेराव करेगा, सदन का घेराव करेगा और सड़कों पर उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।